हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी ये मल्टी पेटल चांदनी आप सभी से शेयर कर रही हूँ और बहुत ही खूबसूरती से ये हमारे गार्डन में चल रहे हैं। इनमें काफ़ी कलियाँ आई हुई हैं, अगर आप देखेंगे तो इस तरह से मोटी मोटी कलियाँ आई हुई हैं और सभी ब्रांचेज में कलियाँ आई हुई हैं और फूल भी खिल रहे हैं। फूल इस तरह से होते हैं, काफ़ी खूबसूरत होते हैं, वाइट कलर के। इनका पेटल मल्टी पेटल होता है। जितने ही ये देखने में खूबसूरत हैं उतने ही ये खुशबूदार हैं, इसलिए से इन्हें सभी लगाना पसंद करते हैं। और मेरे गार्डन में ये आज 3-4 साल से लगे हुए हैं। प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका था और मैंने इसकी प्रूनिंग वगैरह की हुई थी। अभी इसमें कई ब्रांचेस आई हुई हैं और काफ़ी बड़ों से भरा हुआ प्लांट हमारा है। तो आज मैं अपने इस चांदनी को दिखाते हुए आप सभी से ये शेयर कर रही हूँ कि अगर ये चांदनी किसी ने लगाई है तो ये काफ़ी अच्छी चांदनी है। बहुत बड़े फूल आते हैं, काफ़ी खुशबूदार इसके फूल होते हैं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग जल्दी नहीं होती है। इसमें कलियां तो बनती हैं लेकिन कुछ इसमें ब्लैक कलर का स्पॉट आता है और फिर कलियां धीरे धीरे डैमेज होकर के गिर जाती हैं। इसीलिए से मुझे मालूम है कि इसमें बहुत ही मुश्किल से फ्लावरिंग होती है। और अगर इस तरह की परेशानी किसी के प्लांट में हो रही है तो उसका क्या समाधान है, यही मैं आज इस वीडियो में लेकर आई हुई हूँ। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अभी इसमें आप ये फूल देख सकते हैं कितना स्वस्थ है और ये आज खिला हुआ है। कुछ फूल इसमें पहले से आए हुए थे और वो मुरझा कर गिर चुके हैं। बड़ों से ये भरा हुआ प्लांट है। इसमें कलियां तो आती हैं लेकिन कलियां कुछ ब्लैक स्पॉट होकर के और गिर जाती हैं। उसमें किसी तरह के कीड़े लग जाते हैं या फंगस की अटैक में आने से प्लांट हमारा स्वस्थ तो रहता है पर वो कलियां जो बनती हैं वो फ्लावरिंग नहीं कर पाती हैं। तो अगर आप इसमें फ्लावरिंग चाहते हैं तो समय समय से आपको देखभाल करनी होगी, तभी ये प्लांट जा कर के फ्लावरिंग करेगा और देखने में खूबसूरत दिखेगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये समर में फ्लावरिंग करते हैं, पूरे समर इनमें फूल आते हैं और पूरा रेनी सीज़न इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। उन दिनों इनकी खास केयर करनी पड़ती है, यानी कि आप प्लांट में पानी बराबर देते रहिए। मिट्टी इस तरह से होनी चाहिए कि मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए ताकि प्लांट हमारा किसी भी तरह शॉक में ना जाए, क्योंकि जब मिट्टी ड्राई होती है तो प्लांट पूरी तरह से एनर्जी उसकी ख़त्म हो जाती है और वो मुरझाया सा हो जाता है। फिर हम जब उसे पानी देते हैं तो वो दोबारा अपनी एनर्जी इकट्ठा करने में लगा देता है और पूरी रात वो उस पानी को मिलने पे अपने प्लांट को रिकवर करता है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो प्लांट आपका आगे सर्वाइव नहीं करेगा। और अगर इसके फूल लेने हैं तो आप इसकी मिट्टी में अच्छा खासा नमी बना करके रखें ताकि प्लांट आपका दिन ब दिन ग्रोथ करता रहे और उसकी जो भी कलियां बनती हैं वो स्वस्थ रहें और वो फ्लावरिंग करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फूल चाहिए तो इसे प्रूनिंग बहुत पसंद है। जैसे कि चांदनी के कई वैरायटी होते हैं तो जिस तरह से और चांदनी की हम देखभाल करते हैं सेम उसी तरह से इसकी भी प्रूनिंग करनी है। और जितना ही प्रून करेंगे उतनी ही ब्रांचेस आएंगी और इसमें जितनी ब्रांचेस होंगी उतना ही इसमें बडिंग होगी। जब इसमें बडिंग होती है उस समय एक ऐसा रोग लगता है जिससे कि इसकी कलियों में ब्लैक कलर का स्पॉट आता है और कलियाँ धीरे धीरे मुरझा करके गिर जाती हैं। इस तरह से कई बार हमारे भी प्लांट में हुआ है और इसीलिए मैं ये इसको समझ सकती हूँ। और अभी तो हमारा प्लांट स्वस्थ है और सारी कलियाँ अच्छी स्वस्थ हैं और ये खिलने के लिए तैयार हैं। अगर इस तरह से आपको ब्लैक स्पॉट दिखते हैं और किसी भी तरह का अगर फंगस वगैरह लगता है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर इमिडाक्लोरोपिड है तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। प्लांट आपका अच्छा खासा है, अगर आप उसे चाहते हैं कि अपने इस बड़ों को बचाना है और फूल खिलना है खिलाना है तो इन चीज़ों को आप स्प्रे करेंगे तो आपके गार्डन में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होगी। क्योंकि ये रेनी सीज़न में फ्लावरिंग करते हैं तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो साफ का फंगीसाइड स्प्रे कर सकते हैं और इसकी मिट्टी में 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच
साफ का फंगीसाइड घोल करके और प्लांट में आप अगर दे देते हैं तो प्लांट किसी भी फंगस की अटैक में नहीं आता है। फिलहाल पूरे प्लांट में अगर स्प्रे कर देते हैं तो इसकी पत्तियां और कलियां सभी स्वस्थ रहती हैं और इसी तरह से फूल खिलते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुगंधित फूल होते हैं, इसलिए इसे बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब ये खिलते हैं गार्डन में तो काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, पूरा गार्डन खुशबू से भरा होता है। मुझे ये चांदनी बहुत ही पसंद है जो कि मल्टी पेटल है और अभी ये फ्लावरिंग कर रही है, इसलिए से मैंने ये वीडियो आप लोगों से शेयर की हुई है। इस छोटी सी बात का अगर ध्यान रखते हैं तो शायद आपके भी गार्डन में चांदनी खिलेगी और गार्डन को खूबसूरत और खुशबू से भर देगी। तो यही सब करना होता है और प्लांट आपके दिन ब दिन ग्रोथ पे बने रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।